अगर आप जो है अपने बिज़नेस के लिए जो है वो वेबसाइट बनाना चाहते हो और अगर आपको कंफ्यूजन है कि अभी जो है वो डॉट काम में आपको डोमेन मिल रही है या नहीं मिल रही है या डॉट इन या डॉट ओ आर जी या डॉट नेट तो अभी जो है वो आपके पास बहुत ही वैरायटी है जैसे देखो बिज़नेस की अगर सेगमेंट की बात करें तो बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट की तो देखो जो यहाँ पर जो है वो अभी है, आपके पास इतने सारे जो है वो टी के ऑप्शन रहते हैं टी एल टॉप लेवल डोमेन तो डोंट स्टिक्स टू ऑनली डॉट कॉम ओके डॉट कॉम का जो है वो एक बूम था पहले कि डॉट कॉम चलता था लेकिन अभी जो है वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो आपके पास अगर ऑप्शन है कि आप जो है वो अगर डॉट कॉम नहीं ले पा रहे हो यानी कि आप जिस आपकी जो डोमेन है जिस नेम से आपकी कंपनी है तो उस पर अगर डॉट कॉम अवेलेबल नहीं है तो इतना जो है वो आपको सैड होने की जरूरत नहीं है आप जो है वो अदर ऑप्शंस भी देख सकते हो जैसे यहाँ पे अभी आप देखोगे कि बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे जो है वो डिफरेंट लिस्टिंग दी गई हुई है तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वहाँ से आप देख लेना जैसे डॉट एसोसिएट्स केयर सेंटर चैट कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स तो ये जो है वो आपके आ, आ, आपका जो नीस है मीन्स आपकी जो कैटेगरी है आपका जो काम है बिज़नेस है उससे भी रिलेटेड हो सकता है फॉर सपोज कि अगर आपका कोई बिजनेस है और वो मीन्स हो सकता है कि प्राइवेट लिमिटेड हो तो उस केस में आप एल यूज़ कर सकते हो या फिर लिमिटेड यूज़ कर सकते हो अगर आपका जो है वो इंटरनेशनल बेस्ड क्लाइंट है तो आप जो है वो डॉट आई या फिर डॉट इंटरनेशनल भी यूज कर सकते हो अगर आपका किसी के साथ फॉर्म है आप जो है वो में हो तो आप जो है वो डॉट ग्रुप भी यूज कर सकते हो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है डॉट 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 प्रो सपोर्ट तो इतने सारे जो है वो आपके पास ऑप्शन रहते हैं तो सिर्फ आपको डॉट कॉम पे स्टिक नहीं होना चाहिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो इन सभी को आप जरूर देखें ताकि आपके जो, आपके पास जो है वो बेटर ऑप्शन निकल के आए और जो आपकी कंपनी के नीज को सेटिसफाई करता है मीन्स आपके जो बिजनेस को जो है वो सेटिसफाई करता है वैसा ही जो है वो टी को आपको लेना चाहिए डॉट कॉम के पीछे भागना बंद करें और देर आर मच मोर बेटर ऑप्शन सो यू शूड डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट टू गेट अ हेड इन द बिजनेस